बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। रुद्रप्रयाग में 4 शव बरामद किए गए। आपको बता दें कि खाट गदेरा में मलबे से ये 4 शव मिले हैं। नेपाल के नागरिकों के शव बरामद हुए हैं। लैंडस्लाइड से मलबा आ गया था और उसके बाद शायद ये पूरा हादसा हो गया है। तो नेपाल के नागरिक ये बताए जा रहे हैं जिनके शव बरामद हुए हैं। आप देखें पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और ऐसे में रुद्रप्रयाग में 4 शव बरामद किए गए हैं। खाट गदेरा में मलबे से ये 4 शव बरामद किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि ये 4 लोग नेपाल के थे और लैंडस्लाइड से मलबा आया अचानक से, जिसके बाद ये हादसे का शिकार हो गए और इनके शवों को मलबे से बाहर रेस्क्यू टीम की तरफ से SDRF की तरफ से निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त वहाँ पर बारिश हो रही थी क्योंकि लगातार आप देखिए कितनी दिक्कतों का सामना इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में जवानों को करना पड़ रहा है क्योंकि मौसम विपरीत है और ऐसे में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। मलबा, बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ों से नीचे सड़कों पर आ रहा है। सड़कों में भी बड़ी बड़ी दरारें कहीं कहीं नज़र आ रही हैं, जो संपर्क है पूरी तरीके से टूटता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में रुद्रप्रयाग में ये 4 शव बरामद हुए हैं।